कल शाम कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अमृतपाल सिंह नामी शख्स जो अमृतसर के रहने वाले थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी और वही जो उनके साथी रोहित थे उनको भी जख्मी कर दिया गया है। सुनने में आया है कि रोहित का इलाज अभी श्रीनगर किशोरा हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स हैं इनको नैब करेंगे ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफी। कल शाम कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अमृतपाल सिंह नामी शख्स जो अमृतसर के रहने वाले थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी और वही जो उनके साथी रोहित थे उनको भी जख्मी कर दिया गया है। सुनने में आया है कि रोहित का इलाज अभी श्रीनगर किशोरा हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स हैं इनको नैब करेंगे ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफी। कल शाम कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अमृतपाल सिंह नामी शख्स जो अमृतसर के रहने वाले थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी और वही जो उनके साथी रोहित थे उनको भी जख्मी कर दिया गया है। सुनने में आया है कि रोहित का इलाज अभी श्रीनगर किशोरा हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स हैं इनको नैब करेंगे ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफी। कल शाम कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अमृतपाल सिंह नामी शख्स जो अमृतसर के रहने वाले थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी और वही जो उनके साथी रोहित थे उनको भी जख्मी कर दिया गया है। सुनने में आया है कि रोहित का इलाज अभी श्रीनगर किशोरा हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स हैं इनको नैब करेंगे ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफी। कल शाम कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अमृतपाल सिंह नामी शख्स जो अमृतसर के रहने वाले थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी और वही जो उनके साथी रोहित थे उनको भी जख्मी कर दिया गया है। सुनने में आया है कि रोहित का इलाज अभी श्रीनगर किशोरा हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स हैं इनको नैब करेंगे ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफी। कल शाम कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अमृतपाल सिंह नामी शख्स जो अमृतसर के रहने वाले थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी और वही जो उनके साथी रोहित थे उनको भी जख्मी कर दिया गया है। सुनने में आया है कि रोहित का इलाज अभी श्रीनगर किशोरा हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स हैं इनको नैब करेंगे ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफी। कल शाम कुछ नामालूम बंदूकबरदारों ने अमृतपाल सिंह नामी शख्स जो अमृतसर के रहने वाले थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी और वही जो उनके साथी रोहित थे उनको भी जख्मी कर दिया गया है। सुनने में आया है कि रोहित का इलाज अभी श्रीनगर किशोरा हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स हैं इनको नैब करेंगे ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफी।